मेरा नाम जान सैयद है। ये फिल्म में मेरा एक कैरेक्टर है जिसका नाम भास्कर है, जो एक्टर बनने आता है और फिर स्ट्रगल करता है और फिर इस तरह का मुद्दा उठता है और उस पर ये चीज़ें शुरू होती हैं। जो लीडर का कैरेक्टर है, जो दिव्या कर रही है, ये इशू वो उठाती है और फिर इस तरह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। कैसे फिल्म से जुड़े, कोई खास तैयारी क्या फिल्म में, फिल्म में काम करने के लिए? कोई तैयारी कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तब सर से मुलाकात थी और ये सुनने के बाद हमने खुद अप्रोच किया सर कि हम लोग ये करना चाहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा था और एक्टिंग के मुद्दे से ये चीज़ सामने आए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट नहीं था कि एक्टिंग करनी है, इंटरेस्ट सबका यही था कि हम लोग इस मुद्दे से जुड़े ताकि लोगों तक पहुँचे, और इससे अच्छा मैसेज हो नहीं सकता क्योंकि काफ़ी नाजुक चीज़ है जो किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। तो विक्रांत सर इस चीज़ को लेकर आए जो कि बहुत ज़रूरी था और काफ़ी लेट आया इंडस्ट्री में ये चीज़, तो वो एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि ऐसी चीज़ पर चीज़ें बन रही है जो बच्चों पर आधारित है। यही होगा कि जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं हमारे देश में, जैसे दूसरे देशों में नहीं होता ऐसा, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो बच्चों को सीखने मिलेंगी। हो सकता है उनको एक नया एक्सपीरियंस, एक नई प्रेरणा मिले कि आदमी उस मोड़ पर ना जाए कि जहाँ आत्महत्या करना बहुत कमज़ोर माना जाता है, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और इंशाल्लाह डेफिनेटली होगी ये चीज़ ये देखने के बाद कि बच्चों को लगेगा कि हम भी इतने कमज़ोर नहीं और ये चीज़ कभी ना करें। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा और बड़ा मैसेज है सबके लिए, पूरे देश के लिए। अभी हाल में एक मूवी आया था सोहा अली खान का, चार पुरिया छोकरी, वो भी इससे ही रिलेटेड, तो क्या कहानी मिलती जुलती आएगी कि कुछ अलग है? नहीं, ये बिल्कुल अलग है, इसलिए नहीं बोलूँगा कि हम लोग इसके पात्र हैं, ये डेफिनेटली बिल्कुल अलग है और ये एक रियल बेस्ड इवेंट है जो हो चुका है। इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आती है तो लोग उसको दबाने की सोचते हैं। तो काफ़ी सारे जो करप्ट लोग हैं जो इनसे जुड़े हैं, डेफिनेटली उनकी भी पता चली जाएगा कि किसने क्या किया और कैसे करोड़ों अरबों रुपए जब चाइल्ड सोसाइटी के लिए जो पैसा आता है वो निकल नहीं पाता बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है और ये बहुत सारी रियलिटी जो ऐसा होता है इस देश में, वो सारी चीज़ों से कनेक्टेड है स्टोरी। अच्छा, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ऑडियंस को मैं यही बोलूँगा कि ये फिल्म फिल्म की तरह ना देखें, एक मैसेज की तरह देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये हर दूसरे तीसरे घर में ये चीज़ कनेक्टेड है। कोई बच्चा पढ़ाई को लेकर परेशान है या कोई टॉर्चर को लेकर परेशान है, तो इस तरह की ऐसी 14 टिप्स है इस फिल्म में जो सर ने दिए इस फिल्म के ज़रिए से। तो मैं दर्शकों को यही बोलूँगा कि ये फिल्म इसलिए ना देखें क्योंकि ये फिल्म है, इसे थिएटर में जाकर ज़रूर देखें और उस पर सोचें और उस पर अमल भी करें, इस चीज़ को रोकने की कोशिश ज़रूर करें। प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, कोई प्रोजेक्ट आपका आने वाला हो? मेरा एक इंटरनेशनल मैंने किया है मूवी जो सितंबर या नवंबर में रिलीज़ है, लेकिन मैं उतना एक्साइटेड उसमें नहीं था जितना इससे जुड़ने में है, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट बार बार किसी को नहीं मिलता, या कोई बड़ा एक्टर भी अगर सर किसी को अप्रोच करते तो डेफिनेटली वो मना नहीं कर पाता इस चीज़ के लिए। ये ऐसा एक फ्लेवर है, ऐसी एक चीज़ है और अच्छे कॉस्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।